इस क्वेश्चन को हम देखिए, हमारे पास एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है, दूसरा वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर है। तो जब भी हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर बाद में इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। आप अगर डायरेक्ट लगाते हो तो फिर आपको प्रोडक्ट लगाना पड़ जाएगा, दो फंक्शन का क्या है, बाई पार्ट लगाना पड़ जाएगा। वहाँ तक हम जाएंगे नहीं, हम इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या हो जाएगा ये, दैट कम्स आउट टू बी मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, ठीक है। अब हमें ये पता होता है कि जो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर है और एक वन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, लेकिन दो फंक्शन का डिफरेंस है। तो हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो आपका होता है ये लीनियर ऑपरेटर होता है। लीनियर ऑपरेटर का मतलब होता है कि इंटीग्रेशन इन दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो दैट कुड बी रिटेन एज ए एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वन डी एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसा आप फॉर्मूले में जानते हैं, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है, अप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन नीचे टू प्लस वन हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और प्लस सी, ठीक है। सी यहाँ पे हमेशा इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट आप लगा के रखा करिए, और टू प्लस वन ये सिंप्लीफाई होकर क्या कर लेंगे, आप थ्री लिख लेंगे, और नीचे भी आपका टू प्लस वन क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो दैट इज योर फाइनल आंसर।